स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे प्यारे एकलव्यों, प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड, स्टडी 91 का ये चैनल जिस पर हम लोग मध्यकालीन इतिहास का स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और यह सिलसिला अब जो प्राचीन इतिहास से शुरू हुआ था मध्यकालीन इतिहास में और मुगल काल में जहांगीर तक जा पहुंचा। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को अकबर को पढ़ाया था और बताया अकबर को शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम अकबर सलीम रखा था, जिसे प्रेम से उसे शेखू बाबा कहता था, और वही सलीम आगे चल करके भारत के इतिहास में जहांगीर के नाम से जाना गया। हालांकि वही जहांगीर अकबर के लिए बाद में सिरदर्द भी हुआ और कहा भी गया है दुनिया में जो किसी से नहीं हारा है हमेशा अपनी औलाद से हारा है, अकबर के सामने भी ऐसा ही था। बहरहाल जहांगीर से संबंधित कुछ प्रश्न जो पूछे गए हैं विगत परीक्षाओं में, भैरावल का युद्ध कब हुआ, एतमाद उल दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, या सम्राट जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो कितने वर्ष तक रहा, जहांगीर अपनी मां की तरफ से किस राजपूत वंश से संबंधित था, जैसे प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे। वैसे ये आज की क्लास जो है 39th यानी 39वीं क्लास है, इससे पहले 38 क्लास ऑलरेडी जो है हिस्ट्री की अपलोड की गई है इस चैनल पर। आप अगर पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, इस क्लास में पहली बार हैं, तो विगत वो जो क्लास 38 क्लास जो है अपलोड की गई है उनका भी अध्ययन आप कर सकते हैं, आपकी परीक्षाओं के लिए रामबाण सिद्ध होगा। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। उससे पहले मैं बता दूं कि यह सेशन सिविल एग्जाम को देख करके शुरू किया गया है और रात 9 बजे मैं आप लोगों से स्पेशली हिस्ट्री का जो है एपिसोड लेकर के क्लास लेकर के मिलता हूं, जबकि सुबह में 10 बजे नितिन सर जीएस की क्लास मिसलेनियस आप लोगों को पढ़ाते हैं। दोनों क्लास को जो है आप एंजॉय करिए और अपनी परीक्षाओं में अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। यह रहा आज के स्क्रीन पर आज का पहला सवाल, जहांगीर अपनी मां की तरफ से किस राजपूत वंश से संबंधित था। जहांगीर मैंने बताया कि जिसके बचपन का नाम था क्या, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। क्या नाम था? सलीम। और क्यों सलीम था? क्योंकि जहांगीर का जन्म चिश्तिया संप्रदाय के महान संत शेख सलीम चिश्ती के दरगाह में हुआ था। कब? जी हां, 30 अगस्त 1559 को। कब हुआ था? 1559 को। और अकबर की जो पहली राजपूत पत्नी थी जिनका नाम था क्या, जोधाबाई। क्या नाम था? जोधाबाई। हालांकि उनका वास्तविक नाम जो है हीर कुंवर था, जब अकबर से उसकी शादी हुई तब अकबर के द्वारा जो है उनका नाम जोधाबाई दिया गया था, और वही जोधा जिसे हरखाबाई के नाम से जाना गया, जिसे हरखाबाई के नाम से जाना गया, उन्हीं के गर्भ से जो है एक बालक जन्म लेता है जिसका नाम सलीम रखा गया। और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हरखा जो है किस राजवंश से थी, कछवाहा। किस राजवंश से थी? कछवाहा राजवंश से थी हरखाबाई, और कछवाहा राजवंश से थी, और इनके पिता का नाम जो है बिहारी मल था। क्या नाम था? बिहारी मल। बिहारी मल, आमेर की लड़ाई हुई, आमेर की लड़ाई में हालांकि बिहारी मल ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसी के तहत अपनी बेटी हीर कुंवर को अकबर की धर्मपत्नी के रूप में उसने स्वीकार किया। और इस तरह अकबर पहला ऐसा मुगल बादशाह था, और बिहारी मल पहला ऐसा जो है राजपूत शासक था जिसने अपनी बेटी की शादी जो है मुगल वंश के शासक से किया था। तो इस तरह से देखा जाए तो जहांगीर मां के तरफ से जो है कौन से राजवंश से संबंधित था, कछवाहा राजवंश से संबंधित था, जबकि पिता के तरफ से ये चगताई तुर्क था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, उससे पहले बता दें कि अगर आपसे जो है इसी प्रश्न में पूछता वो कौन सा जो है राजपूत राजवंश था जिन्होंने कभी अकबर की आधीनता स्वीकार नहीं की, तो उस सवाल का जवाब होता सिसोदिया वंश। कौन सा? सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के शासक उन दिनों मेवाड़ पर शासन कर रहे थे। मेवाड़ का राजा जिनका नाम उन दिनों उदय प्रताप सिंह,
उदय प्रताप सिंह के ही पुत्र थे राणा प्रताप सिंह, और मेवाड़ और मेड़ता दो ऐसे राजवंश थे, तो ऐसे जो है क्षेत्र थे जिस पर पूरी जिंदगी जो है अकबर लगे रह गए, लेकिन नहीं जो है इन क्षेत्रों को जीत पाए और नहीं यहां के शासकों को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर पाए। वो भी मेवाड़ का शासक महाराणा प्रताप जंगल की रोटियां तक खाई, तमाम झंझावात को झेले, लेकिन कभी अपनी आन बान शान से जो है अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। और ऐसे इंसान हमेशा जो है दुनिया में इज्जत भरी नजरों से जो है देखे जाते रहे हैं। तो आपसे पूछता, वो कौन सा राजवंश था जिसने अकबर की कभी आधीनता स्वीकार नहीं की? तो सिसोदिया वंश। कौन से क्षेत्र थे? तो मेवाड़ और मेड़ता। मेड़ता के राजा जो है राव चंद्रसेन थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से जहांगीर की पत्नी नहीं थी। जहांगीर, मैंने बताया जिनका वास्तविक नाम जो है क्या था, सलीम। जहांगीर का शासन काल वर्ष 1605 से लेकर के और कब तक रहा था? तो 1627 तक रहा था। यानी जहांगीर जो है कितने वर्षों तक शासन किए थे? जी हां, 22 वर्ष तक शासन किए थे। सबसे अधिक इनके पिता अकबर, जिनका शासन काल 1556 से लेकर 1605 तक लगभग 52 वर्ष तक का रहा था। जहांगीर कि पहली पत्नी का नाम था जो है मानमती। क्या नाम था? मानमती नाम था, या कहीं कहीं इसको लिखा होगा जो है मानबाई। मानमती का ही नाम जो है, जब इनसे शादी हुई तो मानबाई हो गई थी। मानमती से इनकी शादी हुई वर्ष 1585 में। मानमती उस समय सलीम के जो सगे मामा थे, जिनका नाम था भगवान दास। भगवान दास जो कि जोधा के भ्राता श्री थे, उन्हीं की पुत्री थी ये मानमती, जिनसे जहांगीर की पहली शादी हुई थी। और मानमती और जहांगीर का पहला पुत्र था जिसका नाम था खुसरो। क्या नाम था? खुसरो। खुसरो का नामकरण अकबर महोदय के द्वारा किया गया था। सल्तनत कालीन के महान विद्वान व्यक्ति जिनका नाम अमीर खुसरो था, उनसे अकबर जो है बहुत प्रभावित थे। यद्यपि कि अकबर बहुत पढ़े लिखे थे, अपना नाम ही नहीं लिख पाते थे। जितने भी मुगल बादशाह हुए उनमें अकबर ही एक ऐसे थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अमीर खुसरो की विद्वत्ता की कथा से बहुत प्रभावित थे और अपने पौत्र का नाम उन्होंने, अपने बेटे के बेटे का नाम उन्होंने रखा क्या? खुसरो। तो ये जहांगीर की पहली पत्नी थी, तो पहला विकल्प तो जो है सही होगा। मुकद्दर ने कुछ ऐसा जो है करवट लिया कि वर्ष 1587 में जहांगीर ने अपनी दूसरी शादी करने का निर्णय लिया, और इनकी दूसरी शादी राजा उदयराज सिंह की बेटी, जिनका नाम था जो है जगत गोसाई। क्या नाम था? जगत गोसाई, उनके साथ हुआ। कहा जाता है कि वर्ष 1587 में मानमती को जब यह पता चला कि जहांगीर दूसरी शादी कर रहा है, तो मानमती ने इसका विरोध किया। और दुनिया की कोई भी महिला यह कभी नहीं चाहेगी कि उसके जीते जी उसका पति दूसरी शादी करे। जहांगीर का एक और अलग खेल चल रहा था, और वो अनारकली का, जिसको लेकर के अकबर में और इनमें ऐसे ही मनमुटाव चल रहा था। आखिरकार मानमती ने इसका विरोध किया, जहांगीर को अपने अहम पर ठेस लगा। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जहांगीर ने मानमती की हत्या कर दी थी, जब वो अपने बच्चे को गोद में लेकर के जो है और बैठी हुई थी, उसी समय इनको सर कलम कर दिया गया था। जबकि कुछ इतिहासकारों ने लिखा कि नहीं, इतना तंग आ गई थी मानमती की, उसने जो है जहर खा करके आत्महत्या कर लिया। लेकिन जो भी था, इनकी शादी से पहले मानमती ने आत्महत्या कर ली या उसकी हत्या हो गई। लेकिन अपनी पत्नी की मौत के बाद भी जहांगीर इतने गमजदा थे कि उन्होंने जल्दी धड़ाधड़ 2-3 शादियां कर ली। उसमें से एक किसके साथ हुई थी? जी हां, जगत गोसाई के साथ हुई थी। तो दिए हुए प्रश्न में जो है दूसरा विकल्प भी सही है, ये भी इनकी पत्नी थी। मेहरुन्निसा की कहानी, जिसको कि नूरजहां के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? नूरजहां के नाम से जाना गया।
दरअसल वर्ष 1606 में भैरावल की लड़ाई हुई। भैरावल की लड़ाई में जहांगीर का सेनापति था अली कुली मारा गया। उसी अली कुली की पत्नी थी जिनका नाम था मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा उन दिनों एक बच्ची की मां थी। उस बच्ची का नाम था लाडली बेगम, जिसकी अवस्था उस समय लगभग 5-6 महीने की रही होगी। मेहरुन्निसा को जहांगीर ने अपनी शौतेली माता शलीमा और रुकैया बेगम की जो है देख रेख के लिए आया रख दिया। मेहरुन्निसा सलीमा का जो है देखभाल कम, सलीम का देखभाल ज्यादा करने लगी, जिसका परिणाम हुआ कि वर्ष 1611 में जहांगीर की जो है नूरजहां से भी जो है शादी हो गई। यही मेहरुन्निसा जब जहांगीर की जो है पत्नी बनी तो उनको नूरजहां की जो है उपाधि दी गई। यानी शादी के बाद जो है अपनी पत्नी का नया नामकरण की प्रथा उस समय भी रही होगी, आज तो खैर पूछना ही नहीं है। तो इस तरह जो है मेहरुन्निसा भी जो है जहांगीर की पत्नी हुई। लेकिन साहिबा ए जमाल इनकी पत्नी नहीं थी बल्कि उपपत्नी थी। क्या थी? उपपत्नी थी। उपपत्नी का मतलब यह होता था कि उन दिनों बादशाहों के हरम में रहने वाली ऐसी महिलाएं जिनसे बादशाह की शादी नहीं होती थी, लेकिन उनके साथ बादशाह का संबंध पति पत्नी जैसा ही होता था। ऐसे महिलाओं को जो है उपपत्नी का उस समय दर्जा दिया गया है। आज के बिल्कुल ठेठ भाषा में कहें तो रखेल। साहिब जमाल से ही जो है जहांगीर का एक बेटा भी था जिसका नाम था परवेज। परवेज नाम था। इनकी एक और इसी तरह उपपत्नी थी रुबीना। रुबीना से जो है एक पुत्र इनको था जिसका नाम था शहरयार। शहरयार ये सबसे छोटा था। मानमती का बेटा था, मैंने अभी बताया था कि खुसरो जहांगीर का प्रथम पुत्र। जगत गोसाई का बेटा था जिसका नाम था खुर्रम। ये खुर्रम ही आगे चल करके किस नाम से जाना गया? शाहजहां के नाम से जाना गया। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, क्योंकि पूछ रहा है क्या कि इसमें से कौन जहांगीर की पत्नी नहीं थी? जी हां, साहिबा ए जमाल नहीं थी। इसलिए दिए हुए प्रश्न का कौन सा आंसर होगा? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, भैरावल का युद्ध कब हुआ? भैरावल कहां है? भैरावल का युद्ध हुआ क्यों? उसके पीछे क्या कारण थे? तो आपको बता दें कि भैरावल के युद्ध के पीछे जो कारण था वो ये था कि जहांगीर का पहला बेटा जिसका नाम था खुसरो की मां की जब हत्या हो गई तो खुसरो की परवरिश उसकी जो है खाला ने किया था, जिसको हम लोगों के यहां मौसी कहा जाता है। वो बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसको इस बात की जानकारी जो है हो गई कि उसकी माता की हत्या उसके पिता के द्वारा इसलिए कर दिया गया था क्योंकि उसके अब्बू जान यानी जहांगीर महोदय दूसरी शादी करना चाहते थे और वो उसके खिलाफ थी। दुनिया का कौन सा ऐसा बेटा होगा जिसको यह पता चले कि उसकी मां की हत्या उसके पिता के द्वारा इसलिए किया गया क्योंकि उसका बाप कोई और शादी करना चाहता था। ऐसा बेटा अपनी मां से बेपनाह मोहब्बत करे या ना करे वो अलग बात है, लेकिन अपने बाप से नफरत करेगा और 100% करेगा। खुसरो के साथ भी ऐसा ही था और खुसरो को कुछ हवा जो है अकबर के समय भी दे दी गई, जब अपने जीते जी अकबर चाहता था कि खुसरो को ही उत्तराधिकारी जो है घोषित कर दिया जाए, क्योंकि वर्ष 1605 में जब अकबर की डेथ हुई तब तक इसकी व्यवस्था 18-19 साल 20 साल की हो चुकी थी। बहरहाल ऐसा हुआ नहीं, जहांगीर बादशाह बना तो पहले से ही अपने बाप से नफरत की आग में जल रहा खुसरो अपने बाप के खिलाफ बगावत कर दिया और सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने उनका साथ दे दिया, जिसका परिणाम हुआ आज पंजाब का एक शहर है जिसका नाम है जालंधर। क्या नाम है? जालंधर। जालंधर में ही
तब जगह होती थी, भैरावल आज भी है, उसी जालंधर में इन दोनों पिता पुत्र के बीच जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, युद्ध हुआ, उसी को भैरावल युद्ध के नाम से जाना गया। भैरावल युद्ध के नाम से जाना गया। किसके किसके बीच हुआ था, मैंने अभी बताया था कि जहांगीर, जहांगीर और उनके पितर, उनके पुत्र कौन, खुसरो के बीच हुआ था, खुसरो के बीच हुआ था। इस युद्ध में जहांगीर को विजय श्री प्राप्त हुई, जबकि खुसरो जो है हार गया। खुसरो को बंदी बना लिया गया, आगरा के किले में नजरबंद कर लिया गया। खुसरो की मदद करने के कारण सिख धर्म के पांचवें गुरु, गुरु अर्जुन देव को गिरफ्तार कर लिया गया आगरा के किले में। तमाम यातनाओं को देने के बाद अंततोगत्वा उनको मृत्यु दंड दे दिया गया। इस तरह से जो है जहांगीर पहला ऐसा शासक था, जहांगीर पहला ऐसा मुगल बादशाह था जिसने किसी सिख गुरु को, किसको, अर्जुन देव को, अर्जुन देव को जो है मृत्यु दंड की जो है सजा दे दी थी। गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के जो है पांचवें गुरु थे, इनको जो है फांसी की सजा दे दी गई। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा, दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प जो है सही होगा। अर्जुन देव पर 2,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। अर्जुन देव के मौत के बाद वो पैसा सिख धर्म के छठवें गुरु थे जिनका नाम गुरु हरगोविंद राय था, उनसे मांगा गया, उन्होंने भी देने में असमर्थता जता दी, इनकार कर दिया। तो गुरु हरगोविंद को भी गिरफ्तार कर लिया गया और हरगोविंद जी को गिरफ्तार करके मध्य प्रदेश का आज एक शहर है जिसका नाम है ग्वालियर, उसी ग्वालियर के किले में जेल में जो है छठे गुरु को बंद किया गया था। तो जब आपसे ये पूछे भैरावल के युद्ध के कारण जो है किस सिख गुरु को सजा मिली थी, उस सवाल का जवाब होगा गुरु हरगोविंद, जो सिख धर्म के छठे गुरु थे, गुरु अर्जुन देव जी के पुत्र थे। लेकिन आपसे पूछा जाए कि भैरावल के युद्ध के बाद किस सिख गुरु को फांसी की सजा दी गई, तो उस सवाल का जवाब होगा क्या, गुरु अर्जुन देव जी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखा जाए, जहांगीर का जन्म किस सूफी संत के खानकाह में हुआ था। हालांकि जहांगीर भी अपने पिता के खिलाफ जो है कई बार विद्रोह किया, 1581 में आगरा से इलाहाबाद आकर के जहांगीर ने स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया था, अपने पिता के खिलाफ भी युद्ध का ऐलान किया था, लेकिन अब्दुल रहीम खान खाना के समझाने से जहांगीर मान तो गया, अकबर ने क्षमा भी कर दिया, लेकिन इनका अपने बाप से, जहांगीर का अपने पिता से जो नहीं हुआ अपने पुत्र से हो गया। मैं कहता हूं आपका अपने माता पिता के प्रति जैसा व्यवहार होगा, आपकी आने वाली औलादें, आपकी संतान का वैसा ही व्यवहार आपके साथ भी होगा। ये तो दुनिया का दस्तूर है, जो आज पुत्र है वो भी कल पिता होगा, जो आज नौजवान है वो भी कल बूढ़ा होगा। ये प्रकृति परिवर्तन, प्रकृति के परिवर्तन का नियम है, सदियों से चला है, सदियों तक अनवरत चलता रहेगा। अगला प्रश्न, जहांगीर का जन्म किस सूफी संत के खानकाह में हुआ था। शेख सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या सैयद सलार। जहांगीर जिसके बारे में मैं आप लोगों से बता रहा था, इसका जन्म हुआ था 30 अगस्त वर्ष 1569 को शेख सलीम चिश्ती के दरगाह में जो है इनका जन्म हुआ था। हीरकुंवर इनकी माता थी, जोधाबाई इनकी माता थी। कहा जाता है कि जिंदगी के तमाम सुख सुविधाओं को भोग करने वाला बादशाह अकबर वर्ष 1569 तक निसंतान था, यद्यपि कि अकबर की पहली शादी 9 वर्ष की अवस्था में ही रुगैया से हो गई थी। इनकी दूसरी शादी 1561 में बैरम खां की विधवा सलीमा के साथ हुई थी। सलीमा को विधवा बनाने में भी इनका हाथ था, क्योंकि बैरम खां की हत्या भी अकबर ने ही कराई थी, वजह सलीमा थी, पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया भी था। और आईने अकबरी में लिखा गया कि ऐसे 40 राजपूत शासक थे जिन्होंने अकबर के साथ आधीनता स्वीकार की और अपने बहन बेटियों की शादी इनके साथ जो है कर दी।
लेकिन इनकी जो संतानहीनता का जो दंश था वो खत्म नहीं हुआ, और इस समस्या के इलाज के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर भी ये जाया करते थे। लेकिन उदयपुर की लड़ाई जब हुई 1568 में, उसके बाद से उधर जाना संभव नहीं था, क्योंकि बीच में चित्तौड़ पड़ता था और महाराणा प्रताप की वजह से वो क्षेत्र अब इनके लिए सुरक्षित नहीं था। इसलिए आगरा से करीब 36 किलोमीटर की दूरी पर एक बाबा थे जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती के ही जो है आशीर्वाद से, उन्हीं के खानकाह में जो है इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और उसे इनका नाम जो है इनके द्वारा नाम सलीम दिया गया था। वही सलीम जो है किस नाम से जाना गया? जहांगीर के नाम से जाना गया। दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प जो है सही है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है दिल्ली में थी, मैं पहले ही बताया था। इसका निर्माण कार्य कराया था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनका खानकाह मतलब आश्रम अजमेर में, अजमेर का जो है पुराना नाम अजय मेरू था। सैयद सलार का जो है खानकाह उत्तर प्रदेश के किस जिला में है, आप हमको कमेंट करके अवश्य बताएंगे। अगला प्रश्न फिर सामने। सम्राट जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रोग कितने वर्ष तक रहा? आपके विकल्प हैं 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। भारत की जो है वैभव, अपार धन दौलत विदेशियों को हमेशा जो है आकर्षित करती रही, और उसी का परिणाम था कि समुद्र के रास्ते जो है भारत आने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति था जिसका नाम जो है हॉकिंग्स था। कब आया था? 1608 में। लेकिन जहांगीर से जो है आया ये सूरत में, लेकिन मिला कहां था? आगरा में, क्योंकि उस समय मुगल वंश की जो है राजधानी कहां हुआ करती थी? आगरा। यह करीब 3 वर्ष तक रहा था, वर्ष 1611 तक ये रहा था, सॉरी 4 वर्ष तक जो है रहा। उसके बाद जो है इसके चले जाने के बाद एक और जो है अंग्रेज भारत में आता है जिसका नाम था थॉमस रो या थॉमस रो। थॉमस रो जो है भारत आता है वर्ष कब? 1615 में। और ये भारत में रहता कब तक है? जी हाँ, ये 1619 तक रहता है, और जहांगीर के शासनकाल में ही पहली ब्रिटिश फैक्ट्री जो है यहां पर मसूलीपट्टनम में, कहां पर? मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में जो है स्थापित की गई थी 1611 में, और दूसरी फैक्ट्री जो है सूरत में कब जो है? 1613 में। यानी जहांगीर का और शाहजहां का शासनकाल भारत में विदेशी ताकतों का, यूरोपीय ताकतों का स्वर्णकाल रहा था। हालांकि अकबर के शासनकाल में ही इस वाले बेल्ट पर जो है पुर्तगालियों का अधिकार जो है हो चुका था, लेकिन पुर्तगालियों की जो है सैन्य शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि उनसे दो दो हाथ करने का अकबर ने भी कभी जो है जरूरत नहीं किया। इवन दैट भारत में ही इस वाले बेल्ट से या इस वाले बेल्ट से जो मालवाहक जहाज आते थे वो अकबर के ही क्यों ना हो या जहांगीर के ही क्यों ना हो, पुर्तगाली उन लोगों से भी जो है टैक्स, इनसे भी टैक्स वसूल लेते थे, मुगलों से भी टैक्स लेते थे। पुर्तगाली स्वयं को सागरों का स्वामी कहा करते थे। और थॉमस रो कितने वर्षों तक रहा था? लगभग 3.5 वर्ष तक रहा। दिए हुए प्रश्न को, प्रश्न में तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न। मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगाने वाले मुगल सम्राट का नाम था? मदिरा और अन्य जो मादक द्रव्य थे, वैसे भारत में तो अगर कहा जाए तो तुर्कों में, मुस्लिम शासकों में सबसे पहले इस पर रोक लगाया था बलबन ने, लेकिन बलबन का ये मामला सिर्फ अपने राज दरबार तक जो है सीमित था, बाहर लोग क्या कर रहे हैं इससे मतलब नहीं था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी, कौन? अलाउद्दीन खिलजी, ये भी ऐसा पहला जो है सुल्तान था जिसने कि मदिरा पर जो है रोक लगाई थी, और मुगलों में पहले व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या? जहांगीर। हालांकि जहांगीर जो है खुद लेने के आदि थे, लेकिन इन्होंने जब अपना राज्याभिषेक कराया, जब सत्ता व्यवस्था को जो है ग्रहण किया, तो उसी समय इन्होंने मदिरा और अन्य जो है वस्तुओं पर, जो मादक वस्तुएं थी उस पर जो है रोक लगा दिया। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? यह विकल्प सही होगा। दक्षिण भारत में पुर्तगाली आए तो वही लोग जो है तंबाकू लाए थे,
वरना भारत के लोग तंबाकू को जो है नहीं जानते थे। पुर्तगाली ही आए तो भारत में आलू लाए, टोमेटो पोटैटो टोमेटो टोबैको, ये सब जितने शब्द हैं सब जो है पुर्तगीज वर्ड हैं जो कि आज भी इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं और भारत में पुर्तगालियों के द्वारा ही लाए गए थे। जहांगीर एंड कंपनी ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तंबाकू पर भी रोक लगाया। तब का तंबाकू का मतलब आज की जो है खैनी, और पुर्तगाली भारत में ले ला करके जो है इस खैनी को जो है बेचने का भी बड़ा अच्छा ट्रिक लगा लिया था, क्योंकि दक्षिण भारत में ही पुर्तगालियों का गढ़ था और भारत के लोगों को जो है वो भ्रम में डाल देते थे, क्या हम लोग गोरे हैं क्योंकि हम लोग तंबाकू खाते हैं। अब बताओ उनका तंबाकू भारत में बिकेगा कि नहीं बिकेगा? धड़ल्ले से बिका, क्योंकि आज भी टीवी पर अगर कोई ऐड दिखा दे 24 घंटे में गोरा होने की गारंटी, बहुत तेरे लोग 24 महीने तक उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भारत में गोरा होना ही अपने आप में बहुत बड़ा टैलेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का, जी हां, तीसरा विकल्प सही होगा। ध्यान रखेंगे औरंगजेब ने भी शराब पर रोक लगाई थी, क्योंकि जहांगीर का शासनकाल इनसे पहले रहा था, इसलिए तीसरा विकल्प जो है सही है। औरंगजेब स्वयं जो है शराब को छूता नहीं था, एकमात्र ऐसा मुगल बादशाह जो कि शराब नहीं पीता था औरंगजेब। जहांगीर को तो खैर पूछना ही नहीं था, इनको तो सुरसुरा सुंदरी हर चीज का शौक था, इनसे पहले वालों का भी जो है बड़ा शौक रहा था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न, जहांगीर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध था? बिशनदास, अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर, आगा रजा। मेरे प्यारे एकलव्यों, आपको बता दें जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा गया। चित्रकला का स्वर्णकाल, गोल्डन एरा ऑफ द आर्ट के नाम से जो है इसको जाना गया, और जहांगीर स्वयं जो है एक बहुत अच्छा चित्रकार था। अपनी जीवनी तुजुक ए जहांगीरी में इसने लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति का चेहरा चार चित्रकार मिलकर के बनाए तो मैं बता सकता हूं देख करके कि इसकी नाक किसने बनाई होगी, भौहें किसने बनाया होगा, होठ किसने बनाया होगा, कान किसने बनाया होगा, आंखें किसने बनाई होगी। यानी इन्होंने सिद्ध किया अपने जीवनी में तुजुक ए जहांगीरी में कि ये चित्रकला के जो है बहुत बड़े पारखी थे। इन्हीं के दरबार में रहा करता था एक व्यक्ति जिसका नाम था अबुल हसन। अब्दुल हसन को इन्होंने नादिर उल जमा की उपाधि दिया था, नादिर उल जमा की उपाधि दी, और ये मानव छवि बनाने वाला, मानव का चित्र जो है बनाने वाला बड़ा सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। कौन? अब्दुल हसन। जहांगीर का जब राज्याभिषेक हुआ, वहां पर उसको ताजपोशी कहा जाता है, उस समय का इतना इसने मनमोहक चित्र बनाया था कि जहांगीर ने जब अपनी जीवनी लिखी तुजुक ए जहांगीरी, तो उस चित्र को तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर जो है कवर पेज पे चिपका दिया गया था, लगा दिया गया था। बिशनदास भी जो है एक मानव छवि बनाने वाले, मानव चित्र के जो है चित्रकार थे, लेकिन ये अकबर के दरबार में रहा करते थे। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में रहा करते थे। उस्ताद मंसूर अली, जिसको जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि जो है धारण, सॉरी प्रदान किया था, ये प्रकृति का जो है बहुत अच्छा चित्रण करता था, प्रकृति का जो है चित्र बहुत अच्छा बनाता था, नदी तालाब झरना पशु पक्षी इस तरह के चित्रों का जो है ये उस्ताद आदमी था, जिसको नादिर उल असर की उपाधि से जो है सम्मानित किया गया था। चूंकि पूछ रहा है कि प्राकृतिक चित्रकला का जो है विशेषज्ञ व्यक्ति कौन था, जी हां उस्ताद मंसूर था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प? पहला ना, कौन सा? तीसरा सही है। आगे देखा जाए, मनसबदारी व्यवस्था में किसने दो अस्पा सिंह अस्पा का पद सृजित किया? मनसबदारी व्यवस्था दुनिया में सबसे पहले मंगोलिया में शुरू किया गया था।
मंगोलिया, मंगोलों की जन्मभूमि ही मंगोलिया कहलाई। और सबसे पहले इस व्यवस्था को चंगेज खान ने जो है शुरू किया था। मैं पिछले क्लास में भी बताया था, भारत में सबसे पहले मनसबदारी को जो है अकबर के द्वारा लाया गया था। अकबर महोदय के द्वारा कब? 1575 में जो है लाया गया था। और दो अस्पा, दो अस्पा का मतलब क्या है? यानी एक सैनिक, एक सैनिक दो अश्व, मतलब घोड़ा। यानी एक सैनिक के पास जो है जो अश्वारोही थे, मुगल सल्तनत में जो अश्व सेना थी इनकी सबसे जो है बड़ी ताकत थी, और एक सैनिक को दो घोड़े उपलब्ध कराए जाते थे ताकि युद्ध के दरमियान इन घोड़ों को आराम देकर के बारी बारी से इस्तेमाल किया जा सके, या एक घोड़ा अगर घायल हो गया तो उसके जगह पर दूसरे का इस्तेमाल किया जा सके। ये सिंह अस्पा दो अस्पा था। और सिंह अस्पा क्या है? एक सैनिक को कितने जो है अश्व मिलते थे? तीन। ये सिंह अस्पा था। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? जी हां, जहांगीर के द्वारा जो है शुरू किया गया था। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया था? अकबर ने। लेकिन मनसबदारी प्रथा के तहत दो अस्पा, सिंह अस्पा किसने शुरू किया? जहांगीर ने। जहांगीर जिनका शासनकाल वर्ष 1605 से लेकर के कब तक था? 22 तक। अकबर जिनका शासनकाल 1556 से लेकर के जो है 1605 तक रहा था। शाहजहां जिसका शासनकाल 1628 से लेकर के जो है कब तक? 1658 तक रहा था। और औरंगजेब जिसका शासनकाल 1658 से लेकर के 1707 तक रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा जो है लंबा शासनकाल जो है इनका रहा था। बहरहाल प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प सही होगा? पहला ना। अगला प्रश्न देखें, वह कौन मुगल सम्राट था जिसने अपने महल के बाहर घंटियों से युक्त इंसाफ की जंजीर, इंसाफ की जंजीर या जिसको कि जो है न्याय की जंजीर कहा जाता था, न्याय की जंजीर, ये फारस के शासकों से प्रभावित थे महोदय। और जहांगीर ने आगरा के किले में यमुना नदी से लेकर के लाल किला जो कि आगरा में, आगरा का लाल किला जो है वहां तक करीब 100 गज लंबी लोहे की नहीं सोने की ये जंजीर लगवाई थी, उसमें 60 घंटियां लगाई गई थी। अगर कोई व्यक्ति काजी मतलब न्यायाधीश के फैसले से अगर संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, तो वो जा करके न्याय की जंजीर को जो है खींचता था, वो घंटी बजती थी, तो राजमहल में जहांगीर के दिमाग की घंटी बजती थी और फिर या तो उस व्यक्ति को बुलाया जाता था तत्काल प्रभाव से, या नहीं तो उसको जो है एक अग्रिम तिथि दी जाती थी, यानी किसी अगले डेट पर उसको बुलाया जाता था। तो ये न्याय व्यवस्था जो है सबसे पहले भारत में शुरू किया किसने? जहांगीर ने शुरू किया था, और इन्हीं के समय में वो इन्हीं के बाद समाप्त भी हो गया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है, दूसरा विकल्प जो है 100% सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का करते हैं हम लोग अवलोकन। मुगल राजवंश की किस प्रसिद्ध महिला को गुलाब के फूलों से इत्र निकालने की विधि की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? अर्जुमंद बानो बेगम, अशमत बेगम, नूरजहां या राबिया दुरानी? नूरजहां जिनका वास्तविक नाम जो है मेहरुन्निसा था। क्या नाम था? मेहरुन्निसा। मैंने बताया था कि मेहरुन्निसा जो थी वो जहांगीर के सेनापति अली कुली बेग की जो है पत्नी रही थी। जब भैरावल की लड़ाई में मेहरुन्निसा के पति मार दिए गए, तब मेहरुन्निसा सलीमा की आया रखी गई और वो सलीमा का देखभाल कम सलीम का जो है सेवा ज्यादा करने लगी। तो जाहिर सी बात थी, सलीम के साथ जब मेहरुन्निसा की शादी हुई तो मेहरुन्निसा को नूर जहां या नूर महल की उपाधि दी गई थी। मेहरुन्निसा की मम्मी थी जिनका नाम था अस्मत बेग। अस्मत बेग ने ही सबसे पहले गुलाब के फूल से इत्र बनाने की कला का इजाद किया था। गुलाब के फूल से इत्र बनाने की कला का इजाद दुनिया में सबसे पहले अस्मत बेग ने किया। और आज तो भारत में एक शहर है जिसको इत्र नगरी कहा जाता है। किसको? कन्नौज को कहा जाता है।
तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न का जो है दूसरा विकल्प जो है सभी सही होगा। राबिया दुरानी या दुर्रानी ये औरंगजेब की पत्नी थी, औरंगजेब की पत्नी थी, ईरान की राजकुमारी थी। औरंगजेब एकमात्र ऐसा मुगल बादशाह था जिसने कि देश से बाहर शादी कर ली, यानी इंटरनेशनल मैरिज किया था, बाकी सब तो घर से बाहर गए ही नहीं। अर्जुमंद बानो बेगम यही मुमताज के नाम से जानी गई थी। किसके नाम से? मुमताज के नाम से जानी गई थी। और वर्ष 1612 में जहां शाहजहां की शादी इसी मुमताज के साथ जो है हुई थी। मुमताज जिनका जीवन काल 1612 से लेकर के जो है 1631 तक रहा था, और अपने जीवन काल में मुमताज और शाहजहां की प्रेम की कहानी का मिसाल दिया जाता है। अब इस प्रेम को क्या नाम दिया जाए? अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय प्रसव पीड़ा के कारण मुमताज की मौत हो गई थी। तो उसी मुमताज की याद में आगे बताऊंगा कि ताजमहल का निर्माण जो है किया गया था, लेकिन वो प्रेम नहीं कुछ और ही था, प्रतिशोध था, जिसके वजह से जो है ताजमहल का निर्माण किया गया। बहरहाल यहां प्रश्न में दूसरा विकल्प जो है सही है। आगे ये यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, आरपीएससी, एमपीपीएससी के लिए जो हमारे संस्थान के द्वारा ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन जारी की गई है, इसको आप ज्वाइन करिए, पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। www.study91pro.com यहां से आप पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। यहां से जो है आप स्कैन करके इस ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हैं और अपना सुनहरा भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, किसके शासनकाल में मेवाड़ राज्य ने मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार किया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। मेवाड़, मैंने बताया था ना कि मेवाड़ में जो है सिसोदिया वंश के शासक शासकों ने जो है शासन किया था। सिसोदिया वंश के पहले शासक जिसका नाम जो है हम्मीर देव था, और वहीं से यह कहानी जो है शुरू हुई थी। राणा कुंभा इस वंश का सबसे सशक्त शासक था, इसी वंश के जो है महान शासक हुए जिनका नाम था महाराणा प्रताप। इसी राजवंश की जो है बहू थी मीराबाई, और जंगल की घास की रोटियां खा करके दर दर भटक करके जिस मेवाड़ को राणा प्रताप ने सुरक्षित रखा, अपनी आन बान शान स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया, उसका बेटा उसकी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। जब राणा प्रताप की मौत हो गई, राणा प्रताप की मौत हो गई कब? वर्ष 1597 में। इस बहादुर की मृत्यु के बाद इसकी मौत की खबर को भी छुपा करके रखा गया। क्यों? सिर्फ इसके नाम से मेवाड़ सुरक्षित था। हल्दीघाटी की लड़ाई के बाद जो है तमाम प्रयासों के बावजूद अकबर नहीं मेवाड़ को जीत पाए और नहीं राणा प्रताप को जो है कभी आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर पाए। लेकिन लेकिन इसी राणा प्रताप का बेटा हुआ जिसका नाम था जो है अमर सिंह, अमर प्रताप सिंह। अमर प्रताप सिंह पिता की जो है मेहनत पर पानी फेर दिया, इज्जत को मिट्टी में मिला दिया और मुगलिया सल्तनत की जो है अधीनता स्वीकार कर लिया। जहांगीर और अमर प्रताप सिंह के बीच वर्ष 1615 में चित्तौड़ की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? चित्तौड़ की संधि हुई, जिसमें भगवान दास जो कि रिश्ते में अब जहांगीर के ससुर भी थे और जो है रिश्ते में जहांगीर के मामा भी थे, उन्होंने महती भूमिका निभाई और चित्तौड़ के संधि के तहत वर्ष 1615 में मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प 100% सही होगा, कोई संदेह नहीं है। अकबर के शासनकाल में कुल जो है 12 प्रांत थे। अकबर पहला ऐसा मुगल बादशाह था जिसने अपनी सल्तनत को, अपने साम्राज्य को राज्यों में जो है विभाजित किया, और उन राज्यों को तब सूबा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? सूबा कहा जाता था। तो इनके समय में कुल 12 सूबा थे। जहांगीर के समय में आते आते इनकी संख्या 11 हो गई। वो इसलिए कि वर्ष 1622 में जो है कांधार निकल गया था।
जहां शाहजहां के समय में जो है कुल राज्यों की संख्या 18 हो गई थी और औरंगजेब के समय में कुल जो है मुगल साम्राज्य में 20 राज्य थे। तो आपसे पूछे कि किस बादशाह के, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में राज्यों का जो है संख्या सबसे अधिक थी या सबसे अधिक मुगल काल का विस्तार हुआ, तो उस सवाल का जवाब होगा क्या, औरंगजेब। औरंगजेब, औरंगजेब के बाद जो है जितने उत्तराधिकारी आए एक से एक नालायक आए, जिसका परिणाम हुआ कि मुगल साम्राज्य का सूरज धीरे धीरे अस्त हुआ और सूरत धीरे धीरे बदसूरत हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखें। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 606 में किसके कहने पर मृत्युदंड दिया था, शाहजादा खुसरो, चंदू शाह, मान सिंह, आसफ खां या इनमें से कोई नहीं। गुरु अर्जुन देव जिन्होंने भैरावल के युद्ध में, कौन सा भैरावल, भैरावल को ही जो है और किस नाम से जाना जाता है, जालंधर युद्ध, जालंधर के युद्ध में खुसरो की मदद की थी। यानी भैरावल युद्ध अभी तो मैंने बताया कि कब हुआ था, तो भैरावल का युद्ध 1606 में जहांगीर और उनके सपूत किसके बीच हुआ था, खुसरो के बीच हुआ था। खुसरो गिरफ्तार कर लिया गया, उसको जो है नजरबंद कर लिया गया, कैद कर लिया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जहांगीर ने खुसरो की मदद करने के कारण गुरु अर्जुन देव को गिरफ्तार कर लिया और गुरु अर्जुन देव को आगरा के किले में मृत्युदंड की सजा दे दी गई। और इस काम में सबसे जो है बहुत बड़ा गद्दार जो था वो चंदू शाह था, ब्राह्मण व्यक्ति था चंदू शाह। कहा जाता है कि इसी के कहने पर ही जहांगीर ने यह फैसला लिया, वरना अर्जुन देव को भी जो है कैद की ही सजा सुनाई गई थी। चंदू शाह ब्राह्मण व्यक्ति थे लेकिन सिख धर्म से इसलिए इनका जो है नफरत था क्योंकि सिख धर्म उन दिनों जितनी भी शूद्र जातियां थीं सबको जो है दिल खोल करके स्वागत कर रहा था। और यही वजह था कि उन दिनों जब हिंदू धर्म में जो शूद्र लोग थे, इंसान होकर के भी इंसान नहीं थे, उनके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प था सिख धर्म, और सब के सब जो है सिख धर्म की तरफ पलायन किए। इसलिए भी सिख धर्म का जनाधार बहुत तेजी से बढ़ा कि वहां जो पंगत की व्यवस्था थी, पंगत का मतलब जो है मुफ्त भोजन की व्यवस्था, एक साथ बैठ करके भोजन की व्यवस्था, जिन शूद्र लोगों को जो है परछाई अगर पड़ जाए शरीर पर तो लोग उन दिनों जो है स्नान करते थे जाकर के, उनके साथ बैठ करके भोजन करने का प्रबंध जो है जब सिख धर्म में किया तो वो लोग जो है अधिक से अधिक संख्या में सिख धर्म को स्वीकार किया। और ये बात हिंदू धर्म के जो कुछ सवर्ण लोग थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, उनमें से ये चंदू शाह भी था। बहरहाल इसी के कहने पर सिख धर्म के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी दी गई थी। तो दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प 100% सही है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, आसफ खां, खुर्रम, महावत खां, खुसरो। तो सबसे पहले तो खुसरो ने विद्रोह किया था, कब, 1606 में, इसी के लेकर के तो भैरावल की लड़ाई हुई थी। उसके बाद खुर्रम, खुर्रम का नाम क्या था, शाहजहां, शाहजहां उपाधि किसने दी थी, जहांगीर ने, और इसने विद्रोह किया था 1622 में। महावत खां तो और तेज निकला, इसने तो जो है 1626 में न सिर्फ विद्रोह किया बल्कि कुछ समय के लिए जहांगीर को इसने कैद कर लिया था, बंदी बना लिया था। जहांगीर ऐसे पहले मुगल बादशाह हुए जो अपने ही सेनापति के हाथों गिरफ्तार कर लिए गए थे, बंदी बना लिए गए थे। आसफ खां रिश्ते में जहांगीर के जो है साले लगते थे, तो इनसे तो कोई दिक्कत ही नहीं, साला से कौन सा दिक्कत है, वो तो खुद ही साला है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, पहला, ना, अंतिम विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखें। एतमाद उल दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, एतमाद उल दौला का मकबरा भारत में संगमरमर का पहला मकबरा, भारत में संगमरमर का पहला मकबरा, पहला मकबरा, और इसका निर्माण कार्य जो है किसने कराया था, तो इसका निर्माण कार्य जो है
नूरजहां ने कराया था। नूरजहां जो कि अकबर की जहांगीर की अंतिम पत्नी थी। एतमाद उल दौला का मकबरा किसका मकबरा था? आप कहेंगे कि गियास बेग का मकबरा था। गियास बेग ये कौन थे? तो ये नूरजहां के जो है क्या थे, पापा, इन्हीं के जो है पिता थे, इनका मकबरा था। अब यह जगह जो है फिरोजाबाद में पड़ती है, उन दिनों जो है आगरा का ही हिस्सा था। इसे आगरा का दूसरा ताजमहल या प्रथम ताजमहल जो है कहा जाता है। इसे बेबी ताजमहल या शिशु ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। इसी का जब निर्माण कार्य हो रहा था, कौन करा रहा था? तो नूरजहां। नूरजहां और शाहजहां से बात बिगड़ गई। शाहजहां इस बात का प्रखर विरोधी हो गए कि शाही खर्चे पर संगमरमर से बनवाया जा रहा जो मकबरा है, इत्माद उल दौला का मकबरा, वो बहुत जो है महंगा पड़ रहा है। पितृदा शैली का सबसे पहले प्रयोग इसी में किया गया, जिसके तहत हीरे जवाहरात या जो है कीमती पत्थर जो है जड़वाए जाते थे, इम्बिल्ड कराए जाते थे। आखिरकार नूरजहां ने जब अपने मकबरे का निर्माण, अपने पिता के मकबरे का निर्माण जो है करा रही थी, उसी दौरान जो है शाहजहां भी कहां पर, लाहौर में, शहादरा में अपने पिता जहांगीर के मकबरे का जो है निर्माण करा रहा था, क्योंकि जहांगीर की भी मौत हो गई थी 1627 में। ये मकबरा ही बनवाया गया था जो है वर्ष 1628 में जो है। अब यह बादशाह था शाहजहां, इसका बाप भी बादशाह था, तो इन सबों का जो है मकबरा लाहौर में बन रहा था। किसका? लाल बलुआ पत्थर का। लाल बलुआ पत्थर का बन रहा था। और नूरजहां कुछ नहीं थी, इनके पिता का भी जो है मुगल सल्तनत में बहुत कोई बड़ा रोल नहीं रहा, तो उनका मकबरा जो है संगमरमर का बन रहा था। इसीलिए शाहजहां इसका विरोध कर रहा था। अपनी सौतेली माता से कहता है कि हमेशा मकबरा बादशाहों का बना है, आपके पिता का क्यों? इन्होंने कहा, मैं शाही खर्चे पर जो है अपने पिता का मकबरा बनवाऊं या जो मन करे सो करूं? अगर मुगल सल्तनत में हत्यारों का मकबरा बन सकता है, तो किसी जो है शरीफ आदमी का मकबरा नहीं बन सकता है। शाहजहां से कहती है नूरजहां, आपके पिता जो कि अपनी पत्नी मानमती के हत्यारे थे, उनका मकबरा बन रहा है। उनके पिता अकबर, उन्होंने उसकी हत्या करा दी जिसने उनको पाल पोस करके जो है उनका पालन पोषण करके उनको बड़ा किया, बैरम खां। ऐसे लोगों का मकबरा बन सकता है, तो क्या एक शरीफ सज्जन व्यक्ति का मकबरा नहीं बन सकता है? यही वजह था कि जहांगीर और नूरजहां में जो है बात, सॉरी, नूरजहां और शाहजहां में बात जो है बिगड़ गई। हालांकि मौला उन दिनों मौलियों के जो है इंटरफेयर करने के कारण ये मामला जो है सॉल्व हुआ तो जरूर, लेकिन शाहजहां ने उसी समय जो है ये प्रण किया, भरे दरबार में जो है कहा कि वक्त का तकाजा है, मैं तो ऐसा मकबरा बनवाऊंगा कि पूरी दुनिया याद रखेगी, बस मौका तो मिले। और वो मौका मिल गया। क्या इनकी पत्नी जिनका नाम मुमताज था, अर्जुमंद मानो बेगम जिसका नाम था, अपने 14वें शिशु को जन्म देने के दौरान प्रसव पीड़ा में मर गई और इनको मौका मिल गया। बरहानपुर, ये जगह अब जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, उस समय मुमताज वहीं पर थी, वहीं पर उनकी मौत हो गई थी। अगर सब कुछ सही रहा होता तो ताजमहल उत्तर प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में होता, आगरा में नहीं, वहां बुरहानपुर में होता, यमुना के तट पर नहीं, चंबल के तट पर होता। लेकिन शाहजहां के जो वास्तुकार थे जिनका नाम था अहमद लाहौरी, उन्हीं के समझाने के बाद आखिरकार अंततोगत्वा ये मकबरा बनवाने का निर्णय आगरा में लिया गया था। और ईसा खां और अहमद खान लाहौरी उसके प्रमुख वास्तुकार थे। अब कितना सही कितना गलत है, आज भी जो आगरा का लाल किला है वो यमुना नदी के इस तट पर है, और उस तट पर आज भी जो है ताजमहल स्थित है। और अब तो ये मामला चल रहा है कोर्ट में
कोर्ट ने भी किसी ने वहाँ पर याचिका लगाया है कि जो वर्तमान ताजमहल है परमार वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया तजुआलय शिव मंदिर है। अब क्या सही है वक्त बताएगा। वैसे ताजमहल पहली ऐसी इमारत है जिसको 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में जगह दिया गया था, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न देखें, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। बाबर के द्वारा बनवाया गया था जामा मस्जिद, निसंदेह कोई गलती नहीं। हुमायूं ने दीन पनाह महल बनवाया था, दीन पनाह महल का मतलब जो है गरीब लोगों का महल, गरीब लोगों के लिए महल, लेकिन ये खुद उसी में रहता था। महल का नाम क्या था? दीन पनाह, गरीबों का महल, लेकिन उसमें रहता कौन था? राज परिवार रहता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज भारत में चलती है एक ट्रेन, कौन सी? गरीब रथ। नाम गरीब रथ है, उसकी सभी बोगियां ऐसी हैं, तो उसमें कितने गरीब बैठते होंगे आप खुद सोच सकते हैं। तो राजनीति की दुनिया में बेवकूफ बनाने का काम हमेशा से चलता रहा है। अकबर जिनके शासनकाल में जहांगीरी महल बनवाया गया था, जहांगीर जिसने अपने पिता अकबर का मकबरा का जो है कार्य पूरा कराया था, हालांकि अकबर ने अपने मकबरे का निर्माण कार्य की नींव स्वयं रखी थी, कहां पर? सिकंदरा में। सिकंदरा कहां पड़ता है? सिकंदरा कहां पड़ता है? तो आगरा में पड़ता है। कहां पड़ता है? आगरा में। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें तो बहुत कुछ करना नहीं है, 1, 2, 3, 4 यानी पहला विकल्प सही है। आगे देखिए, निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? नूरजहां की जब जहांगीर से जो है शादी हुई तो उसके बाद जो है नूरजहां का राजनीति में इंटरफेयर बहुत हुआ और इन्होंने एक अपना समूह बना ली, एक समिति जिसमें जो है खुद नूरजहां, इनके पिताजी, इनकी माताजी, इनके भ्राता श्री और भी इनके करीबी लोग जो है उसके सदस्य बने गए, जिसको जनता गुट के नाम से जाना जाता था। जनता गुट के नाम से जाना जाता था और मुगलिया सल्तनत में जहांगीर के शासनकाल में इनका भी बड़ा वर्चस्व रहा था। गियास बेग जो कि नूरजहां के पापा थे ये भी सदस्य थे, आसफ खां जो कि भाई थे ये भी सदस्य थे, खुर्रम वैसे तो जो है सौतेला इनका बेटा था, लेकिन खुर्रम से नूरजहां का इसलिए जो है बहुत अच्छी पड़ती थी कि उस समय जो है खुर्रम की शादी जो है किससे जो है प्रस्तावित थी? लाडली बेगम से प्रस्तावित थी। हुई नहीं वो अलग बात है। लाडली जो कि नूरजहां की पहली बेटी थी और ये अली कुली खां की जो है बेटी रही थी। बहरहाल जहांगीर इनके जो है सदस्य नहीं थे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकार का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है। गोविंद महल का निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था ओरछा शासक कौन? वीर सिंह बुंदेला। ये कौन था? ये वही व्यक्ति था जिसने जहांगीर की बातों में आकर के और अकबर के राजकवि जिनका नाम था आसफ खां उनकी जो है हत्या कर दी थी। इनके राजकवि का उसने जो है काम ही खत्म कर दिया था। और जब बादशाह बना था कौन? जहांगीर। तो इस कार्य के लिए उच्च मनसब जो है प्रदान किया गया था किसको? वीर सिंह बुंदेला को। उसी ने जो है ये गोविंद महल जो है बनवाया जो वर्तमान में कहां पर है? दतिया में है। कहां पर है? दतिया में। आपसे पूछे कि वीर सिंह बुंदेला ने किसकी हत्या की थी? अबुल फजल की हत्या की थी। अबुल फजल जो है कौन थे? जी हां, अबुल फजल जो है अकबर के राजकवि थे। इनके नवरत्नों में से एक जो व्यक्ति थे जिनका नाम था फैजी के जो है ये भ्राता श्री थे। बहरहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले ये ग्वालियर में आज भी एक मंदिर है जिसका नाम है सास बहु। बड़ा पूछता है सास बहु मंदिर, और सास बहु मंदिर भगवान विष्णु को जो है समर्पित है। दूसरा है तेली मंदिर। उत्तर भारत में पहला जो है ये द्रविड़ शैली में बनाया गया मंदिर है
जो जैन धर्म को जो है समर्पित है। पहला विकल्प 100% सही है, खजुराहो। जहां पर अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि जो है प्रदान किया। अभी इस बात को मैंने बताया भी था आप लोगों से, नादिर उल जमा की उपाधि किसको दी गई थी, अबुल हसन को दी गई थी, जो मानव चित्र बहुत अच्छा जो है बनाता था, मानव चित्र जो है बहुत अच्छा बनाता था। जबकि प्राकृतिक चित्रकार था जिसका नाम था मंसूर अली, मंसूर अली को जो है नादिर उल सद्र की उपाधि जो है दी गई थी। बिशन दास ये अकबर के जो है समकालीन थे, अकबर के दरबार में रहने वाले ये जो है व्यक्ति थे, और इनको ईरान के शासक, ईरान के शासक अब्बास, अब्बास का चित्र बनाने के लिए जो है भारत से ईरान भेजा गया, और इन्होंने अपने कार्यों को बड़ा बखूबी वहां जो है अंजाम दिए भी दिया। अब्बास बड़ा खुश भी हुए, लेकिन उनकी खुशी जो है बहुत देर तक नहीं रही, फुर्र हो गई। क्यों? जब उनको पता चला कि बिशन जो है मुस्लिम नहीं बल्कि एक काफिर व्यक्ति है, एक हिंदू है, इसलिए उनको तत्काल जो है वहां का राजप्रसाद छोड़ देने का फरमान सुनाया गया था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अगला प्रश्न देखें, जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई। अभी बताया था मंसूर को प्रदान किया गया था, इनके राज चित्रकार था, इनके जो है दरबार में चित्रकार था। जहांगीर ने अपनी जीवनी में भी जो है इन दोनों चित्रकारों का वर्णन किया है। मनोहर एक व्यंग चित्रकार थे, व्यंग चित्रकार थे, और ये अकबर के जो है शासनकाल में अकबर कालीन रहे थे। बिशन दास मानव चित्रकार थे, ये भी अकबर कालीन थे, मानव चित्रकार, और किसके दरबार में रहते थे? अकबर के समय में रहते थे। दौलत, दौलत शब्द नहीं है, क्षमा चाहूंगा, जो है दौलत शब्द नहीं, ये शब्द है दसवंत। दसवंत, और दसवंत एकमात्र ऐसा चित्रकार था जो 1584 में अकबर के दरबार में ही आत्महत्या कर लिया था। वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया था, और इस तरह से एक दो बार ये प्रश्न पूछा भी है, एकमात्र अकबर का चित्रकार जो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, और हालांकि उसकी मानसिक अवस्था बाद में जो है खराब हो गई, उसके साथ कुछ ऐसी जो है बात हो गई कि ऐसा होना लाजमी था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प ना, अंतिम विकल्प। इस प्रश्न का, इस 2020 सीरीज का अंतिम प्रश्न, मैंने अपना राज्य अपनी प्रेमिका के हाथ एक कप शराब तथा एक थाली शोरबा के लिए बेच दिया है, यह शानदार शब्द किसने कहा था? जहांगीर, बाबर, हुमायूं, अकबर? तो शराब, शबाब, सुरसुरा सुंदरी मुगल साम्राज्य का जो है एक विभिन्न अंग रहा था, सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब का शासनकाल छोड़ करके। मुगल साम्राज्य का पहला शासक बाबर, जो कि वर्ष 1526 से लेकर के 1530 तक शासन किया। मुगल साम्राज्य का जो है दूसरा शासक था जिसका नाम हुमायूं, 1530 से लेकर के 1540 तक शासन किया। हालांकि दूसरा कार्यकाल इसका 1555 से शुरू हुआ, लेकिन बहुत लंबा नहीं चला। अकबर जिनका शासनकाल जो है सबसे लंबा था, और ये जो है तीसरे शासक थे जो कि 1556 से लेकर के 1605 तक लगभग जो है 52 साल तक शासन किया। जहांगीर जो कि वर्ष 1605 से लेकर के 1605 से लेकर के कब तक, 27 तक, लगभग 22 वर्ष तक शासन किए। और ये शानदार स्टेटमेंट जो है जहांगीर के द्वारा ही दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? जहांगीर के द्वारा दिया गया था। तो ये था आज का 2020 सीरीज। चलते चलते मैं आपको बता दूं, हमारे संस्थान की तरफ से ये कुछ महत्वपूर्ण किताबें सामान्य अध्ययन और हिंदी विषय की जारी की गई हैं। आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके आप इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए जो है इस पर दिए गए नंबर पर कॉल करें, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, फिर दूसरों के साथ जो है इसे शेयर भी करें। तो आज बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।